तो हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू प्लेस गेमर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसी मशीन जिसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही डिमांड करी थी। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ स्मार्ट वेंडिंग मशीन। और अगर आप लोग चाहते हो कि मल्टीप्लायर में जब आप अपनी कोई चीज़ बेचना चाहते हो और उसके बदले में डायमंड लेना चाहते हो या तो फिर एमरल्ड या कोई भी और चीज़ लेना चाहते हो, तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मशीन किस तरह वर्क करती है। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि जो हमारी आइटम फ्रेम्स है, उन आइटम फ्रेम्स में मैंने वो आइटम रखी हुई है कि जो हमें लेनी है, हमें जो भी लेना चाहे हम यहाँ से ले सकते हैं। तो उनके साइड में उनके बटन्स भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो नीचे चेस्ट रखी हुई है, उस चेस्ट में जो हमारा हम जो भी आइटम पे क्लिक करेंगे वो सामान हमें यहाँ पे नीचे आके मिल जाएगा। अब सिंपली से आपको यहाँ पे आइटम्स लेने के लिए यहाँ पे जो डायमंड है उस डायमंड को इधर रख देना है। और जैसे आप डायमंड डालेंगे, अब इसके बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सी लैंटर्न आपको लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे चेस्ट में आपको सी लैंटर्न मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि हमें सी लेंटन मिल चुका है। अब मैं फिर से आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। तो फिर से आप हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डायमंड डाल देते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे ब्लेज रोड। तो ठीक है, हम जैसे ही ब्लेज रोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी ब्लेज रोड आ चुकी है। मैंने इसे डायमंड पे सेट करा हुआ है, आप इसे जिस पे भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। और हाँ, आपको यहाँ पे एक और काम भी करना है। मेरी वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा, लाइक का बटन, उसे जल्दी से जल्दी नीला कर दो और जल्दी से जल्दी दबा दो, क्योंकि इस वीडियो पे हमने करा है 100 लाइक्स का एम। तो जल्दी से जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ये मशीन बनाने के लिए चाहिए चेस्ट, रेडस्टोन टॉर्च, रेडस्टोन, रेडस्टोन कंपैरेटर, ड्रॉपर। आइटम फ्रेम में आप सिंपल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्लो वाली ली है। उसके अलावा बटन्स, स्लैब्स, हॉपर और डायमंड्स। अब डायमंड की जगह आप यहाँ पे एमरल्ड भी ले सकते हैं, या आपको जो जिससे भी आपको करेंसी रखनी हो आप वो ले सकते हैं। और उसके अलावा मैं कोई भी ब्लॉक्स ले रहा हूँ, मतलब कि कोई भी स्टेयर वेयर ले रहा हूँ डेकोरेशन के लिए, या और कोई भी ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें आपको पूरी छूट है। आप जो भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। तो बिना देरी के हमारा जो मशीन है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 7x5 का एक पूरा स्क्वायर बना देना है और उसको आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक तक डिक करना है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे नीचे हैं तो आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक तक इसे डिक करना है, जिसकी वजह से जो हमारे ये पूरा का पूरा ये रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक ले लेना है और आप इसे जिस तरफ रखना चाहते हो, जो मतलब फ्रंट साइड रखना चाहते हो, तो उस तरफ आपको इधर 2 ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर 2 ब्लॉक ये वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स के लगा देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कंपैरेटर लगा देना है और यहाँ पर ऊपर एक और ब्लॉक लगा देना है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर आ जाना है और यहाँ पे ऊपर आने के बाद इधर आपको एक चेस्ट लगा देनी है, मतलब कि 2 चेस्ट लगा देनी है। अब इधर ये लगाने का रीज़न ये, इधर हम एक सिस्टम बना रहे हैं जो हमारे जितनी भी आइटम्स है वो इधर आके स्टोर कराने में मदद करेगा। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है नीचे और यहाँ पे आपको एक हॉपर ले लेना है और उस हॉपर को हमारी जो चेस्ट है उससे कनेक्ट कर देना है। और उसके अलावा हमें एक हॉपर हमारे जो कंपैरेटर है उस कंपैरेटर से भी कनेक्ट कर देना है, कि जिसकी वजह से जो हमारा करेंसी आएगा वो हमारे कंपैरेटर को वो यहाँ पे बता देगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक चेस्ट ले लेनी है जिसके अंदर हमारी करेंसी स्टोर होगी। और उसके अलावा हमें यहाँ पे बैठकर इससे जो हमारे 2 हॉपर से उनको कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि आपके आपको जितने भी हॉपर है किस तरह सेट करना है। अब जब हमारी करेंसी आएगी तो यहाँ पे ऊपर वाले हॉपर से आएगी और हमारी चेस्ट में चली जाएगी। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ले लेने हैं 2 ब्लॉक्स और उनको यहाँ पे लगा देना है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे रेडस्टोन भी ले लेना है और उस रेडस्टोन को हमारे जो ये 2 ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर लगा देना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ले लेनी है एक रेडस्टोन टॉर्च, और रेडस्टोन टॉर्च को जैसे मैंने लगाया सेम टू सेम आपको वैसे ही लगा देना है। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे डायमंड्स ले लेने हैं, जितने मैंने आपको बताया उतने आपको, मतलब जो भी करेंसी यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायमंड करी है। तो अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने डायमंड लिए सेम टू सेम जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे ही उतनी क्वांटिटी में आपको रखना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 19 थे उसके 18 हो गए, मतलब कि हमारा जो एक डायमंड वो अंदर चले गया और जो रेडस्टोन कंपैरेटर है वो यहाँ पे चालू हो गया। इसका मतलब है हमारी जो करेंसी है वो यहाँ पे कम्प्लीटली सिलेक्ट हो चुकी है।
तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सही से वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायमंड ले लूँगा और यहाँ पे ऊपर आ जाऊँगा। तो अब देखिए मैं इधर बैठ जाऊँगा और जैसे हमारे यहाँ पे डायमंड डालना होता है तो इधर हम ऐसे इन्वेंटरी ओपन करके इधर डायमंड डाल देंगे। अब जैसे हमारा डायमंड जाएगा मतलब इसकी जो करेंसी है वो सिलेक्ट हो गई और जो वो करेंसी है वो सीधी की सीधी यहाँ पे अंदर आ जाने वाली है, मतलब कि हमारा जो ये पूरा का पूरा वर्क है वो सही से कर रहा है। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल से सिखा देता हूँ कि अगर हम डायमंड के अलावा कुछ और चीज़ डालें तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये स्मार्ट है या नहीं उतना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस ब्लॉक को यहाँ पे अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पे नीचे जाके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि वो जो टुकड़ा था मतलब डर्ट वो यहाँ पे नीचे नहीं आई। तो हम देखते हैं वो गया कहाँ, तो वो इधर ही आ जाने वाला है। मतलब कि अगर कोई गलत करेंसी डाल देता है मतलब डायमंड के अलावा कुछ डालता है तो यहाँ पे उसको कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेना है, जो भी आप लेना चाहें उसको यहाँ पे लगा देना है और उसकी तीन हाइट तक आपको लगा देना है। जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी वैसे ही लगा देना है और इसकी जो दूसरी साइड है उसको उधर भी आपको वैसे ही तीन ब्लॉक की हाइट तक इसे लगा देना है। तो अब हमें यहाँ पे आगे आ जाना है और हमारे जो बटन से उनको ले लेना है और यहाँ पे हमें चार बटन्स लगा देने हैं जिनको क्लिक करने की मदद से हमारी जो आइटम्स होगी हमें मिलेगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ले लेनी है रेडस्टोन टॉर्च और उन बटन्स के एग्जैक्टली पीछे आपको यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। तो यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक बटन दबाया तो पीछे जो रेडस्टोन टॉर्च है उधर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाती है। तो इसकी मदद से जो हमारी मशीन होगी उसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है। तो अब आपको यहाँ पे ले लेना है ड्रॉपर और उस ड्रॉपर को लेके आपको यहाँ पे पीछे आ जाना है और इधर खड़ा होकर आप लोगों को जो हमारी रेडस्टोन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप रेडस्टोन पे क्लिक करोगे तो ड्रॉपर का जो फेस होगा वो इस तरफ आ जाएगा और इधर लग जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे बैठ कर एक ब्लॉक लगा देना है और उसके नीचे भी सेम ड्रॉपर लगा देना है। और उसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉपर लगाऊंगा तो उसका भी फेस आगे आ गया, तो इस एक तरफ का हो गया। सेम टू सेम आपको भी सेम वैसा ही दूसरी तरफ भी कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पीछे आ जाना है और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारी जो पेमेंट आएगी वो पेमेंट जब ये वाले हॉपर तक आएगी मतलब यहाँ पे ऊपर से जब ये वाले हॉपर तक आएगी तो उसका जो सिग्नल होगा हमें यहाँ पे ऊपर के जो हमारे ड्रॉपर है उन तक पहुँचाना है कि जिसकी मदद से वो लोग आइटम दे सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेना है और उसको इधर लगा देना है और उसके बाद एक कंपैरेटर को लेके इधर से लगा देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक और ब्लॉक ले लेना है और उस ब्लॉक को इधर आगे लगाना है और उसके एग्जैक्टली पीछे आपको रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर जो हमें ड्रॉपर है उधर तक जाने के लिए एक सीढ़ी टाइप बनाना होगा। तो जैसा मैं आपको यहाँ पे ब्लॉक्स रख रहा हूँ वैसे आपको यहाँ पे ब्लॉक्स रख देना है और इधर एक सीढ़ी टाइप बना देना है। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक जो हमारे स्लैब्स है उन स्लैब्स को यहाँ पे ले लेना है और इधर लगा देना है। आप स्लैब भी मैं इधर उसके मैचिंग ही यूज़ कर रहा हूँ, आप अलग करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन ये थीम से मैचिंग है तो आप जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बैठकर जो हमारे ड्रॉपर है उनके ऊपर इधर ब्लॉक्स लगा देने हैं और ये हमारे जो जितना भी ये पूरा सिस्टम बना अब आपको उसको पूरा रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना है कि जिसकी वजह से हमारे जो ड्रॉपर्स होंगे वो सारे के सारे उधर कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे लास्ट रेडस्टोन लगाना है और जैसे हम इसे लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो जितने भी रेडस्टोन है वो सारे के सारे एक्टिव हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जब हम यहाँ पे डायमंड डालें तो ये एक डीएक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और इधर आपको एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है, उसके साइड में एक ब्लॉक लगा देना है और वो टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च ले लेनी है और उसको इधर लगा देना है और रेडस्टोन को हमारा जो हॉपर है उसके ऊपर लगा देना है कि जिसकी मदद से जब हमारा डायमंड आएगा तो ये उसे सिग्नल भेजेगा और वहाँ पे वो डीएक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक डायमंड ले लेते हैं, तो सबसे पहले इसे अलग कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक डायमंड ले लिया है और यहाँ पे जो हमारा हॉपर है उसे भी हमें एक्सटेंड करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हॉपर ले लेते हैं और उसे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हॉपर ले लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बैठ जाना है और इसको हॉपर से कनेक्ट कर देना है जिसकी वजह से जो हमारा हॉपर होगा यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे सिंपली से आएंगे और हम इधर सबसे पहले तो डायमंड डाल देते हैं, तो जिस वजह से हमारा जो डायमंड होगा वो पेमेंट के तरीके अंदर चले जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे डायमंड डाला तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीछे का रेडस्टोन है वो डीएक्टिव हो गया, मतलब कि इन्होंने हॉपर को सिग्नल कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको चाहिए चीज़ उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन दबाना है। जैसे आप बटन दबाएंगे तो आपको एक साउंड आया होगा टक करके, तो उसका मतलब है कि हॉपर ने वहाँ पे से चीज़ भेज दी है। अब इधर हमारा पूरा पूरा सिस्टम रेडी नहीं हुआ, ये फिर से एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली से एक इधर जो हमारा ड्रॉपर है उसके बाजू में आपको यहाँ पे एक स्लैब लगाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लैब ले लेते हैं और इधर आ जाते हैं, और इधर जो हमारा ये हॉपर है उधर बैठकर हमें जो नीचे वाला हॉपर है उधर लगा देना है एक स्लैब। तो स्लैब लग जाने के बाद आपको यहाँ पे ले लेना है रेडस्टोन और उस रेडस्टोन को यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है और दूसरा ब्लॉक लगाना है, और जो हमारा टेम्पररी ब्लॉक था उसे तोड़ देना है। इसके बाद आपको ले लेनी है यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च, और रेडस्टोन टॉर्च को इस वाले ब्लॉक पर लगा देना है। जैसे आप लगाएंगे ये ऑफ हो जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक रेडस्टोन है जो एग्जैक्टली रेडस्टोन हमारे जो टॉर्च होगी उसके नीचे लग जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायमंड डाल देंगे, और जैसे ही ये हमारा डायमंड अंदर गया पीछे का पार्ट जो है वो डीएक्टिव हो गया। अब जब हम यहाँ पे ये स्विच दबाएंगे तो उधर आप पीछे का पार्ट देख सकते हो फिर से एक्टिव हो गया, मतलब जो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ हमारी ये एक बटन के लिए ही वर्क कर रहा है, जो हमारे बाकी के तीन बटन से मतलब तीन आइटम से उनके लिए वर्क नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें उन्हें वर्केबल बनाना पड़ेगा। तो अब हमें इस तरफ आ जाना है, और जैसा हमने वो दूसरी साइड करा था सेम टू सेम हमें भी इधर ऐसा ही सेम टू सेम करना है। तो इधर जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया और इधर आपको रेडस्टोन लगा देना है, और जैसा उधर करा था सेम टू सेम आपको यहाँ पे रेडस्टोन लगानी है, और रेडस्टोन लगाने के बाद इसके एग्जैक्टली बाजू में आपको यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया। अब आपको यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च ले लेनी है और उस रेडस्टोन टॉर्च को यहाँ पे लगा देनी है, और उस साइड की तरह ये वाली रेडस्टोन टॉर्च भी ऑफ हो जाएगी। अब इसके बाद आपको जो ये वाला हिस्सा है उधर उसको इस तरफ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक पाथ बनाना होगा। तो उसके लिए जैसे मैं आपको बना रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी वैसे ही इसको पाथ बना देना है। तो अब हमारे जो हमने यहाँ पे ब्लॉक्स लगाए थे उनको हमें रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना है दूसरी साइड की ओर, कि जिसकी मदद से जो हमारी दूसरी साइड होगी मतलब जो दूसरा बटन होगा वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे नीचे के दोनों बटन थे यहाँ पे कम्प्लीटली वर्केबल हो चुके हैं और पूरे के पूरे बन चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे ऊपर के दोनों बटन हैं उसके लिए भी हमारे एक ऐसी सिस्टम बनानी होगी कि जिसकी वजह से वो नीचे जाके कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, और ये जो हमारे ये रेडस्टोन है उसके ऊपर आपको यहाँ पे ब्लॉक लगाना है, दोनों साइड लगाना है। तो सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पे लगाया सेम टू सेम आपको सामने भी लगा देना है। तो अब ये हमारे जो दोनों के दोनों ब्लॉक्स यहाँ पे लग चुके हैं। अब इसके बाद आपको ये दोनों ब्लॉक्स पर रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। तो यहाँ पर जो हमारे नीचे का हिस्सा है उसे हमें यहाँ पे ऊपर जो हमारे ड्रॉपर्स है उन तक कनेक्ट करना है। तो उनको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे दोनों के दोनों ड्रॉपर्स हो गए उन ड्रॉपर्स के ऊपर आपको यहाँ पे ब्लॉक्स लगा देने हैं। तो यहाँ पे सिंपली से हम बैठ जाते हैं और यहाँ पे हम दोनों के दोनों ब्लॉक्स लगा देते हैं। तो अब इन दोनों ब्लॉक्स को लगा देने के बाद आपको इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, कि जिसकी वजह से हमारे जो दोनों के दोनों हॉपर होंगे वो एक ही रेडस्टोन कनेक्शन से मिल जाए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसको करंट को ऊपर पहुँचाने के लिए एक सीढ़ी टाइप का कुछ बनाना होगा। तो उसके लिए मैं जैसे आपको इधर मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी वैसे ही बना देना है, कि जिसकी मदद से हमारा जो नीचे का करंट होगा वो यहाँ पे ऊपर तक जा पाएगा। तो इसी के साथ जो हमारी यहाँ पे ये पूरी सीढ़ी थी वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रेडस्टोन ले लेना है और इधर लगा देना है, और ध्यान रखना कि ये रेडस्टोन नीचे कनेक्ट हो जाए। अब इतना कनेक्ट होने के बाद हमारा जो ये पूरी की पूरी सीढ़ी है उसके ऊपर हमें यहाँ पे रेडस्टोन बिछा देना है, कि जिसकी वजह से हमारे जो दोनों के दोनों ड्रॉपर्स होंगे वो यहाँ पे नीचे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो हमारे सारे के सारे ड्रॉपर्स का काम था इधर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब ड्रॉपर्स उनके आइटम गिराएंगे तो उन्हें हमें यहाँ पे हॉपर लगाने पड़ेंगे, कि जिसकी मदद से वो चेस्ट में कनेक्ट हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हॉपर्स ले लेते हैं और उन हॉपर्स को यहाँ पे पीछे लगाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले पीछे चलते हैं।
तो हम यहाँ पे पीछे आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पे सिंपली से बैठ जाना है और यहाँ पे एक हॉपर इधर और एग्जिट उसके पीछे एक इधर और एक यहाँ पे साइड में लगा देना है कि जिसकी मदद से हमारे जो दोनों के दोनों ड्रॉपर्स मतलब चारों के चार ड्रॉपर्स में से जो आइटम्स भी गिरेगी वो सीधी की सीधी हमारी चेस्ट में चली जाएगी। तो अब हमें जो हमारे ग्लास है वो यहाँ पे पीछे की ओर लगा देने हैं। इसको लगाने का रीज़न यहाँ पे ये है कि जब हमारे ड्रॉपर आइटम्स गिराएंगे तो वो आइटम्स यहाँ वहाँ ना गिर जाए और जो हमारे हॉपर्स है डायरेक्ट उन हॉपर्स में ही चली जाए। तो यहाँ पे मैंने पीछे की ओर भी लगा दिए और हमें ऊपर की ओर भी लगा देना है। तो सबसे पहले इधर लगाया, उसको टेम्पररी को तोड़ देते और इधर हमारे सारे के सारे जो ग्लासेस है वो यहाँ पे लग चुके हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आ जाना है और अब हमें यहाँ पे आइटम फ्रेम लगाने के लिए यहाँ पे ब्लॉक्स लगाने होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेम्पररी में ब्रिक लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये रेड वाली ब्रिक्स ली है कि जिसकी वजह से ये कुछ अच्छी थीम हो जाए और अच्छा मैचिंग करे। तो यहाँ पे सारी की सारी ब्रिक्स हमें सबसे पहले लगा देनी है और उसके बाद हमें यहाँ पे आइटम फ्रेम लगा देनी है। इधर मैं ग्लो आइटम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ कि जिसकी मदद से हमारा जो ये एक लुक वाइज ये बेटर लगेगा। आप सिंपल आइटम फ्रेम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमने कौन से ड्रॉपर में कौन सी चीज़ रखी हुई है और सामने वाले बंदे को कौन सी चीज़ चाहिए तो वो उससे ईजिली ले सकता है। तो इसी के साथ जो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे काम है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप चेस्ट भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस हमें अब एक ही चीज़ करनी है कि जो हमारी ये ड्रॉपर्स है उन ड्रॉपर्स में हमारी जो आइटम्स होगी उन आइटम्स को यहाँ पे डाल देना है और जो आइटम्स हम ड्रॉपर में डालेंगे उसे हमें यहाँ पे आइटम फ्रेम पे लगा देना है कि जो सामने वाला बंदा है इससे लेगा तो उसे पता चले कि उसे कौन सी चीज़ लेनी है तो उसकी वजह से उसको ईजी रहेगा। तो ये कैसे वर्क करेगा वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सेम टू सेम आपको वही करना है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो ऐसे ही वर्क करने वाला है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे आजू बाजू सारे के सारे ब्रिक्स विक्स भी लगा दिए और उसको एक अच्छा सा लुक भी दे दिया और हमारे आइटम फ्रेम्स में भी मैंने आइटम लगा दिए और उसके अलावा ये बाजू में मैंने यहाँ पे डायमंड भी लगा दिया है कि जिसकी मदद से लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हमें कौन सा एज अ पेमेंट यूज़ करना है कि यहाँ पे डायमंड डालना है या एमरल्ड डालना है तो उन्हें पता चल जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और हमारा जो लाइक है मैं उसे भी कंप्लीट ज़रूर कर देना। 100 लाइक्स चाहिए भाई, चाहिए ही। इतना अच्छा मैं आपके लिए मशीन लेके आया हूँ तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। और उसके अलावा इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।